वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन जावा एंड सेशन नंबर 1 इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, तो हम लोगों ने देखा है व्हाट इज जावा जीयूआई, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, हम लोग देख चुके हैं कि कैसे करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम लोग एक ऐप बना सकते हैं जिससे हम लोग एक यूजर फ्रेंडली सिस्टम बना सकते हैं, राइट। जैसे कि कुछ भी हम लोगों को एंटर करना है या डिस्प्ले करना है इन ग्राफिकल फॉर्मेट, हम लोग इसको रेडी कर सकते हैं। ओके, और हम लोगों ने देखा था कि रेडियो बटन, आप लोग जानते हैं कि रेडियो बटन, चेक बॉक्स कैसे करके क्रिएट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सो फर्स्ट, व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर? कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब एक्चुअली दो टाइप के प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होता है सिंगल स्टेटमेंट प्रोग्राम और एक होता है मल्टीपल कमांड्स। ओके, तो सिंगल जो होता है वो लिनियर होता है, मतलब उसमें ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। जस्ट सपोज प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम एंड नेम ऑफ योर सिटी। ओके, तो इसमें कुछ आपका एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ फंक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें जस्ट आपका नेम और सिटी का नेम वो डिस्प्ले करेगा। ओके, तो ऐसे लिनियर स्टेटमेंट्स होते हैं कि बस खाली एक स्टेटमेंट लिखने से वो आउटपुट आ जाता है। ऑलराइट, और मल्टीपल क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रहता है जो होल एक ब्लॉक बन जाता है, और वो एक ब्लॉक अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट होता है, रन होता है और हम लोगों को आउटपुट दिखाता है। ओके, तो ऐसे करके प्रोग्राम होता है। तो ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, इसमें हम लोग प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट्स रहते हैं उसका जो कंट्रोल है वो कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपको कुछ अगर कंडीशन देनी हो प्रोग्राम में, सपोज हम लोग अगर चाहते हैं कि मार्क लिस्ट, अगर ग्रेडिंग हम लोगों को डिस्प्ले करना है, तो हम लोग चाहेंगे कि अबव 50 मुझे ये ग्रेड चाहिए, अबव 60 वो सपोज बी ग्रेड चाहिए। मीन्स लाइक दिस, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ कि 70 के ऊपर ए प्लस चाहिए। तो ऐसे जो ग्रेड होता है, ये यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन देनी पड़ती है। अगर हम लोगों को इतने मार्क्स मिले तो आपको ए प्लस ग्रेड डिस्प्ले करनी है। ओके, तो यहाँ पे आती है कंडीशन, और जब ऐसी कंडीशन आती है तब हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में देखिए, फर्स्ट होता है सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन मतलब एक स्पेसिफिक सेट होता है जो एग्जीक्यूट होता है। ऑलराइट, अब इसमें क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, इफ एंड स्विच केस। ऑलराइट, एक जो होता है इफ, इफ के भी थ्री पार्ट्स होते हैं, इफ, इफ एल्स, इफ एल्स इफ। ऑलराइट, तो एक्चुअली ये क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ इफ? स्विच केस हम लोग बाद में देखेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ इफ? तो सेम यूज व्हेन वी आर गिविंग सम कंडीशन टू आवर प्रोग्राम, दैट टाइम वी यूज इफ कंडीशन। ओके, सपोज इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन दिस, और तो ऐसे सिंपल एक ही जब स्टेटमेंट रहेगा तब हम लोग ओनली इफ यूज करेंगे। ओके, और ये इफ एल्स कब यूज करते हैं? अगर आपको चाहिए कि टू कंडीशंस है, उसमें से एक कंडीशन ट्रू होगी, एक कंडीशन फॉल्स होगी, राइट? तो आपको ट्रू होने से आपको एक आउटपुट चाहिए, और अगर आपको फॉल्स होगी एल्स, आपको दूसरा आउटपुट चाहिए। ये दोनों टाइप में आपको जब आउटपुट चाहिए होता है तब हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। ऑलराइट, और इफ एल्स इफ कब यूज करते हैं? जब हम लोगों की कंडीशंस बढ़ जाती है तब हम लोग इफ एल्स इफ का यूज करते हैं। जैसे कि एक ही प्रोग्राम में अगर हम लोगों को मल्टीपल मोर देन टू कंडीशंस देनी है तब हम लोग इफ एल्स इफ का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो पहले हम लोग इफ का एग्जांपल देखेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट हम लोग ओपन करेंगे नेटबीन्स। ओके,
यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट लूंगी, ओके, यस, जावा प्रोजेक्ट, देन नेक्स्ट, सपोज प्रोजेक्ट का नाम हम लोग देंगे कंट्रोल, फिनिश, ओके, यहाँ पे हम लोगों का प्रोजेक्ट आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यस, सोर्स पैकेज में जाके न्यू जे फ्रेम फॉर्म, और इसको हम लोग नाम देंगे सपोज कंट्रोल वन, ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सैंपल एक फॉर्म बनाएंगे। फर्स्ट आई विल टेक लेबल, ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगी हम लोग का, ये फॉर्म का हेडिंग है, इसलिए हम लोग इसे और भी अट्रैक्टिव बनाएंगे। ओके, एलिजिबिलिटी फॉर स्कॉलरशिप, ओके, अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट मार्क्स होंगे, ओके, एंड नेक्स्ट होगा टेक्स्ट फील्ड मार्क्स एंटर करने के लिए, यहाँ पे हम लोग इसे ब्लैंक छोड़ेंगे और फॉर्मेट करके रखेंगे। ओके, और एक बटन चाहिए हम लोगों को सबमिट के लिए। ऑलराइट, नाउ वी विल क्लिक ऑन बटन। ओके, अब यहां पे मैं कोड लिखूंगी, सपोज इंट, मैं मार्क्स के लिए एम ले रही हूं, एम इज इक्वल टू जीरो हम लोगों को इनिशियलाइज करके रखना है, देन एम इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, हम लोगों को टेक्स्ट जब एक्सेप्ट करना होता है तब हम लोग गेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं, राइट, यस। अब हम लोगों को कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है, इफ द मार्क्स दैट इज एम इज ग्रेटर देन 95, अगर है 95 से ग्रेटर देन ही और शी इज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, राइट। तो अब ये मैसेज जब हम लोगों को डिस्प्ले करना है तब होगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग नल देन
यू, यहाँ पे मैसेज हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, देन सेमीकोलन. नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम. ओके, सी ये 97 इज मोर देन 95, राइट? दैट्स व्हाई द मैसेज केम, यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप. ऑलराइट. और अगर यहाँ पे हम लोग ओके करने से चला जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग बिलो 95 देते हैं तो कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा. ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इफ का ही कंडीशन है. ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न अबाउट द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. हम लोगों ने देखा इसका इंट्रोडक्शन देखा और हम लोगों ने इफ का यूज देखा. ऑलराइट, थैंक यू.